हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शैवे, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में ही जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं तुला राशि, लिब्रा राशि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी इसमें पिकअप हो और आपके लिए अच्छे से गाइडेंस ले पाएं हम। ओके, लिब्रा राशि, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा बरस रहा है भाई आने वाले वीक में तुला राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है आने वाले वीक में। और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है ना आपके पास, तो थोड़ा समय रुक जाइए, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी आने वाले वीक में। मैं देख रही हूँ आप बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लग्जरी में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें ले सकते हैं, स्पेशली अपने लिए कोई कुर्सी ले सकते हैं, सोफ़ा, कारपेट, बेड या फिर कोई ऐसी बड़ी चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा लग्जरी में लेकर जाते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपने आप का बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर भी आप लोग कर रहे हैं, खुद का बहुत ध्यान रखते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। और यस, अपनी एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल जीवन जीते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है आप लोगों के लिए आने वाले नेक्स्ट वीक में। आप लोगों के लिए यहाँ पर 666 एंजल नंबर बन रहा है, 333 एंजल नंबर बन रहा है। 369 टेक्निक अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आप इसे गूगल कर सकते हैं कि ये क्या होता है। 369 टेक्निक आपके लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने इंट्यूशन की बात को ज़रूर सुनिएगा। आने वाले वीक में आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने में समस्या हो सकती है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बट आप लोगों को कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की हेल्प का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। साथ में मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी फंक्शंस वगैरह को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, शादी इवेंट्स, फंक्शंस या कोई गेट टुगेदर को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे और बहुत ज़्यादा किंग के रूप में, एक एम्प्रेस के रूप में, बहुत एक किंग क्वीन के रूप में आप लोगों को यहाँ पर देखा जाने वाला है। और आपको देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, आप लोग बहुत समझदार इंसान हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर देखा जाने वाला है। बट स्टिल यहाँ पर आप लोग अब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सीखने के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं, कोई कोर्स, कोई सेमिनार या फिर अपने अंदर कोई कला आप लोग सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। तो यस, एक स्टूडेंट की भूमिका में आते हुए भी आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने करियर के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर रहे हैं, तो दो चीज़ें आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसमें आपको थोड़ी सी समस्या का सामना, आप टाइम मैनेजमेंट का सामना करना आपको पड़ सकता है, और अपने टाइम को मैनेज करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले वीक में। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि
बिज़ी बहुत ज़्यादा आप लोग रहने वाले हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा काम आप लोग कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क आप लोग एक साथ कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए आप लोग जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल ये हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ाई के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है। साथ में बहुत ज़्यादा यस लग्जरी को तो एक्सपीरियंस आप लोग करने ही वाले हैं, बहुत लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपको एक बहुत ज़्यादा इज्जतदार पर्सन के रूप में यहाँ पर दिखेंगे। कुछ सक्सेस भी आ रही है आप लोगों के लिए अपने करियर में, कुछ लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने करियर में, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी आ रहा है और आपका ट्रांसफ़र भी यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग है ना पास्ट की मेमोरीज़ में स्टक रह सकते हैं, पास्ट की यादें आपको परेशान कर सकती हैं कि पास्ट में इतना अच्छा था, उस पर्सन के साथ इतने अच्छे मोमेंट्स मैंने स्पेंड किए थे, इस तरह की चीज़ों में आपको आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको कोशिश करनी चाहिए, रेदर दैन कि आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहें। एंड करंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके हाथ में हैं उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट गो करना है अपने पास्ट की चीज़ों को, जो भी परेशानी का सामना आप कर रहे थे, कुछ लोगों का दिल टूटा था, हार्ट ब्रेक हुआ था, तो आपको उससे आगे बढ़ने के लिए, उभरने के लिए कहा जा रहा है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। सेल्फ लव की एनर्जी, हार्ट चक्रा हीलिंग करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली वीक में। अगर आप लोग लव लाइफ के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर सिंगल ही मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपने आप का ही पूरी तरह से ध्यान रखते हुए और अपने आप पर ही फोकस करते हुए यहाँ पर मेनली आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। 666 एंजल नंबर की यहाँ पर एनर्जी बन रही है, जो कि बात करती है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आइएगा, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको नहीं जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है। एंड अगर आप लोग अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मतलब बजट प्लानिंग कीजिए, ठीक है, बजट थोड़ा सा अपना प्लान करके चलिए और अपने खर्चों का भी हिसाब किताब रखिए। साथ में आपको माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी वर्क लाइफ, अपनी करियर लाइफ, ये तो एक ही हो गया ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को ही आपको बैलेंस करके चलना है। और यस, आपकी लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे थे तो आपको उनका इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी के कमिटमेंट देने का इंतज़ार कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में वो कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आपको उस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड अगर आप लोग किसी अच्छी रिलेशनशिप में हैं, गुड रिलेशनशिप में हैं, कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है, वो कुछ ऐसी बातें कह दें जो कि आपके दिल को चुभ जाए, तो ये उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं और यस क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड अगर आप लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उनके कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको हर्ट करते हैं, तो यस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस। और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रेस या टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ अपने हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है आप लोगों को, हार्ट चक्रा आपका हील नहीं हुआ है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और आप सडनली कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप को पहले हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, नहीं तो आप वैसे ही सिचुएशंस फिर से अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और ये साइकिल चलता जाएगा, इनफाइनाइट साइकिल ये बनता जाएगा, ठीक है। तो आपको ना उस हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा सेल्फ लव करके, सेल्फ लव आपको करना है, उसके बाद ही आप किसी नई रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार होंगे। एंड अपने पैरों का खास तौर से आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है तुला राशि। सक्सेस, यस आपके लिए सक्सेस आ रही है, जो कि मैं बात कर ही रही थी कि आपके लिए सक्सेस आ रही है आने वाले वीक में। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए अगेन यही बात आ रही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और हाल फिलहाल में अगर आपकी सिचुएशन, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो ओ माय गॉड, हाँ मतलब किस तरह से ये कार्ड आया है, प्रोटेक्शन,
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके आपको रखना है अपने आप को, ठीक है? प्रोटेक्ट करके रखिए। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल, यस, कॉर्ड कटिंग रिचुअल अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। एंड एक और कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, इनर टेम्पल, अगेन ये हार्ट चक्र का ही बात कर रहा है ये कार्ड। डिवोशन क्यून इन टू पोर्टल ऑफ योर हार्ट, ठीक है? तो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। शिवलिंग की आराधना करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शिव जी की आराधना कीजिए, शिव मंदिर पे आप लोग जा सकते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए आप लोग जा सकते हैं। भक्ति में उतरना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? अगर आपको कहीं स्पिरिचुअल विजिट करने जाना है, स्टार मदर, यहाँ पर भी मदरली एनर्जी आई है, तो यस, आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपने माँ के साथ भी अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और जो भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना, वैसे ही अपने आप का, खुद को आपको ध्यान रखना है। और माँ की एनर्जी के साथ जुड़िए, नहीं तो मदर नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ, माँ दुर्गा के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा गाइस कमेंट बॉक्स में। और आत्मन, कुछ ना कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है आप लोगों को सिचुएशन को। और यस, मेडिटेशन कीजिए। हार्ट चक्रा मेडिटेशन बहुत कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है? और माँ लक्ष्मी की कृपा यहाँ पर आप लोगों के ऊपर बनी हुई है, तो अगर जो भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी चल रही हैं वो इम्प्रूव होने वाली हैं, तो चिंता मत कीजिए। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मौजूद मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।